तो एक गुरप्रीत सिंह मेरे अजीज दोस्त ने गुरप्रीत सिंह राही ते जसविंदर सिंह सूफी गायक ने काफ़ी अच्छी आवाज़ है उन्होंने जिन्होंने काफ़ी लोगों ने मेरी इंटरव्यूज के पसंद किया है दोस्तों। उन्होंने एक भेट हुई बीते दिन तो एक वधिया महफल जमी थी उस महफल का जो रंग है एक किदा इस तरह का दौर बनया कि बहुत वधिया तरीके उस महफल में अटेंड किया ते आओ तुहानू दिखाउंदे आ उस महफल दौरान किस तरह की गायकी दे गुरप्रीत सिंह राही ने ते जसविंदर जी ने अपनी गायकी दे रंग रखे ने आओ दिखाउंदे आ तुहानू साडी कर दित्ती अखियां नूं जगराते देगी खुशियां मेरियां नाल ही लै गई ओ अखियां नूं जगराते देगी खुशियां मेरियां नाल ही लै गई ओ जगराते सत श्री अकाल दोस्तो कई रे ऐसे सबब बन जाते हैं कुदरती ऐसे अनुभव हो जाते हैं इकट्ठे होने का जो सा अनुभव है बनता हो तो मेरे अजीज दोस्त गुरप्रीत सिंह राही अच्छे गीतकार ने गायक भी ने
और नाल दसविंदर जी जिहड़े के सूफी गायकी वजों उन्हां दे बारे अल्फाज मैं की कहां शब्द की कहां कि जदों उह गाउंदे ने बाई गुरप्रीत सिंह राही ते दसविंदर जी बंदे ने अंदर धुर अंदर तक कह सकते हैं कि अंदर गले अंदर पौड़ियां ला के उतर जाते हैं। तो इन्हां दा गीत जिहड़ा साढ़े पूरे पंजाब ते पूरे वर्ल्ड दे विच फेमस होया श्री गुरदास मान जी का गीत है, गुरदास मान जी का गीत है तुर परदेस गयो। तो मैं वो गीत इन्हां दी जबानी जिहड़ा सुनना चाहांगा बाई दसविंदर जी ते बाई गुरप्रीत सिंह राही जी दे अज इक महफिल जची हुई है, जिवें कह सकते हैं कि काव्य दरबार होया, गज़ल दरबार होया। कहते जो दो बंदे मिल के परमेश्वर बारे परमात्मा बारे गल्लां कर लैन तो सत्संग हो जाती है। तो बाई गुरप्रीत सिंह राही, बाई दसविंदर सिंह ते बाई गुरविंदर सिंह मान तरखान वाले ते मैं तुहाडा अपना जसवीर सिद्धू बर्द सिंह ते साडी इक महफिल जमी हुई है ते अज रब्बी रूहां इकट्ठियां हुई हैं ते मैं इन्हां दे मुख तों सुनना चाहुंदा हां तुर परदेस गयो। सत सोनिया वे दिल साडा मंग के तुर परदेस गयो है, तुर परदेस गयो है, तुर परदेस गयो। पाटी लीरा वांगू किकरां ते टंग के टंग के तू परदेस गयो मैं, तू परदेस गयो मैं, परदेस गयो। ऐसी लागे ओ कहानी सच्चे प्यार दी ओ, ऐसी लागे ओ कहानी सच्चे प्यार दी। वे मैं गली अज फिर आवाज मार दी, मैं गले अज फिर आवाज मार दी, नाना मना सहेलियां को संगी सुन परदेस गयो है, सुन परदेस गयो है, सुन परदेस गयो। सत सोनिया वे दिल साडा मंग के तुर परदेस गयो है, तुर परदेस गयो है, सुन परदेस गयो है, सुन परदेस गयो। ਸਾਡੀ ਲੀਰ ਵਾਂਗ ਵਿਕਰਾਂ ਦੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪਰਦੇਸ ਗਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਹੈ ਗਜ਼ਲਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਮੈਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਛੱਲਾ ਸਫਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਛੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਛੱਲਾ ਅਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਛੱਲਾ ਉੜਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਹੋ ਜਾਵੋ ਨੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਨਿਕਲ ਸੁਣ ਚੱਲਿਆ ਕਾਮਾ।